अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, कोई स्ट्रक्चर दिया गया, इसमें कुछ सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट किए गए हैं हाइपर कंजुगेशन के लिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? देखो कैटायन के, फ्री रेडिकल के, डबल बॉन्डेड कार्बन के, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की अल्फा पोजीशन, नेक्स्ट जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, अगर इन पर एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ऐसी स्पीसीज हाइपर कंजुगेशन करेगी और वो हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे? हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ये, जैसे यहां का हाइड्रोजन, यहां का हाइड्रोजन, ये हाइपर कंजुगेटेबल है, चेक कर ले इसमें क्या है, एक ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया ना, पहला इस कार्बन से लगा, ये पहला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे ही जैसे राइट साइड में है वैसे लेफ्ट साइड में यहां का भी हाइड्रोजन, ठीक है, ये कार्बन कैसा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया और यहां पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, दैट मींस दिस इज अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन का पार्ट होता है ना। तो आप जल्दी से बोलो कि कौन कौन से आए, एक तो फर्स्ट हो गया और एक फिफ्थ हो गया, फर्स्ट एंड फिफ्थ, दैट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट।